हेलो दोस्तों, वॉइस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अडानी का एक और सी शेयर है जिसका रेट जिसका भाव लगभग 30 रुपये के आसपास ही है। तो काफ़ी लोग पूछते रहते हैं क्या ये शेयर अडानी ग्रीन से कंपेयर करना चाहिए, यानी अडानी ग्रीन जैसे कि 30 रुपये का शेयर था 2 साल 1.5 साल पहले और वो आज कहाँ पर है, 1000 रुपये के आसपास है। तो क्या ये शेयर भी इतना जा सकता है कि नहीं, तो हम एक बार कंपेरिजन करेंगे, चेक करेंगे कि इन दोनों शेयरों में क्या ऐसा क्या है कि ये भी शेयर उस लेवल पर जा सकता है कि नहीं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारी इस वाली वीडियो को जो आप अभी देख रहे हैं लाइक कमेंट शेयर करिए इस पर और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए शेयर की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो है रिटर्न्स। जो अडानी ग्रीन है, अडानी ग्रीन को आए हुए 2-3 साल ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ओके, उसके पास हिस्ट्री नहीं है, बट इस कंपनी के पास हिस्ट्री है। ओके, मोर देन 10 ईयर्स की हिस्ट्री है। तो इससे हम जज कर सकते हैं कि क्या ये शेयर उसके पे चलेगा या नहीं। देखिए, हमारे पास रिटर्न का प्रोफाइल सामने है और अगर हम मैक्सिमम रिटर्न भी देखते हैं, क्योंकि हमारा प्रोस्पेक्टस क्या रहता है, हमारा रहता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब 5 साल 10 साल। तो देखिए, 5 साल की भी बात की जाए तो पॉजिटिव रिटर्न्स है, बट कितने हैं, केवल 35% के। तो 35% के लिए हम नहीं आएगा, 35% के लिए हम 5 साल इन्वेस्ट करेंगे किसी एक पर्टिकुलर शेयर में, तो इससे बढ़िया तो हम बैंक में FD करा देंगे, तो उसमें हमें सबसे अच्छा पैसा मिल जाएगा। हम यहाँ पर आए कम से कम 100% तो मिले, कम से कम हमारा पैसा दुगना तो हो जाए 5 साल में। और अगर 10 साल की बात की जाए तो 10 साल में तो नेगेटिव 72% नेगेटिव रिटर्न्स है। 1 वीक 1 मंथ 2-3 मंथ 6 मंथ में यहाँ पॉजिटिव रिटर्न दिख रहा है, बट फिर भी इतना रिटर्न नहीं है जितना अडानी ग्रीन में है। तो ये नेगेटिव रिटर्न्स के मामले में हम इसे नेगेटिव ही करार देंगे। एज वेल एज हम इसके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। 74% शेयर प्रमोटर्स के पास है, फॉरेन इन्वेस्टर भी लगभग 12% से ज़्यादा इसमें हिस्सेदारी रखते हैं। म्यूचुअल फंड कोई नहीं है, इंश्योरेंस कोई नहीं है। अदर DIS की बात की जाए तो 5.79% है, बट यहाँ पर एक चेंजेस हुआ है कि LIC ने लगभग 1.something% के यहाँ पर लिया है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न उनका दिखाई दे रहा है सेप्टेम्बर में। ओके, और DIS की बात की जाए तो 5.79% की यहाँ पर हिस्सेदारी है। नॉन इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो 6.65% की हिस्सेदारी यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास है। तो और सबसे बेकार बात क्या है कि बेकार बात ये है कि इनके जो प्लेजिंग है वो प्लेजिंग काफ़ी ज़्यादा है। प्लेजिंग कितनी है, 30% की प्लेजिंग है, जो कि हमें पहले से कम होती नज़र आ रही है। ओके, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि पहले इनकी जो प्लेजिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी और अभी जो इनकी प्लेजिंग है वो थोड़ी सी मतलब 1% की हिस्सेदारी मतलब प्लेजिंग इन्होंने कम किया। प्लेजिंग मतलब कर्ज, जो इनका 74% के शेयर है उसमें से भी कर्ज कितना रख रखा है, 30%। तो ये और अडानी ग्रीन की बात की जाए तो देखिए, अडानी ग्रीन में है प्लेजिंग है, बट 5.72% की है। और ऑलवेज मैंने आपसे कहा है कि 25% तक ओके है, बट 25% से ज़्यादा है तो फिर वो सिग्नल आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया वाला हिसाब। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लेजिंग 30% की है, मोर देन 25% है। तो यहाँ पर हमें बिवेयर होने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। और एज वेल एज हम अगर बात की जाए यहाँ का शेयर होल्डिंग, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक बार बैलेंस शीट की। तो यहाँ पर देखिए, बैलेंस शीट जो है, रिजर्व्स की बात की जाए तो देखिए, रिजर्व्स कंटिन्यूसली घटते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, जहाँ पर 5000 करोड़ के रिजर्व्स थे। ओके, क्योंकि अडानी ग्रीन के साथ यही है, प्लेजिंग भी कभी भी कर देता है, कभी भी इनकी शेयर्स कभी भी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, कभी भी रिजर्व्स बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं। कि रिजर्व्स जहाँ 100 करोड़ के थे वहाँ 816 के हो गए। अभी तक लास्ट ईयर मार्च में 5270 करोड़ के रिजर्व्स थे, तो यहाँ पर अभी कितना हो गया, 3318 करोड़ के। तो काफ़ी मिड कैप कंपनी है और मिड कैप कंपनी में आपको बताइए रिस्क रिवर्ड रेशो इक्वल होता है, मतलब भागता भी तेज है और गिरता भी तेज है कंपेयर देन लार्ज कैप कंपनी। तो रिजर्व्स देखिए, यहाँ पर लगभग 3318 करोड़ के रिजर्व्स है, अच्छे रिजर्व्स कह देंगे। लॉन्ग टर्म बोरइंग की बात की जाए तो देखिए, बोरइंग कम होती जा नज़र आ रही है यहाँ पर। ओके, पहले 14 करोड़ के आसपास थी, फिर 17, फिर 2200, ओके, फिर 83, 7400, ओके, और अभी लगभग 31.85 करोड़ रुपीज़ का लॉन्ग टर्म बोरइंग है, जो कि कम होता नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरइंग की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म बोरइंग भी
कंपेयर देन लास्ट फ्यू प्रीवियस ईयर कम है, बट लास्ट ईयर से आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा, लगभग 2589 2589.02 करोड़ रुपीस के यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरिंग यहाँ पर आपको नजर आ रही है। और हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की भी बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लगभग सेम ही चलता आ रहा है, वो भी घटता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो लगभग 101.02 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो बैलेंस शीट इतनी खास नहीं नज़र आ रही, बट ठीक ठाक इसकी बैलेंस शीट है। और डेट की बात की जाए तो डेट भी काफ़ी सारा है, बट रिड्यूसिंग मैनर में है, तो घटता हुआ मैनर है, जो कि अच्छी बात है। तो कंपनी कहीं ना कहीं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है। देखिए प्लेजिंग की जो मैं आपको बात कर रहा था, देखिए पहले प्लेजिंग थी कितनी, लास्ट मार्च में 2020 में की बात की जाए, मार्च की बात की कर रहे हैं तो 32.46, और जून में इन्होंने फिर थोड़ी सी कम कर दी, इन्होंने प्लेजिंग हटा दी, 31.64 रह गया। और अभी की अगर हम प्लेजिंग की बात करें तो अभी और कम हो गया, लगभग 30% का यहाँ पर प्लेजिंग है। तो प्लेजिंग कम करते जा रहे हैं, ओके, अपने शेयर को गिरवी है जो छुड़ाते जा रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। और आइए हम बात कर लेते हैं किस शेयर से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं अडानी, ये अडानी का पावर है, ओके, अडानी पावर है। अडानी ग्रीन भी लगभग कभी 30 रुपये पे चलता था, ओके, आज 1000 रुपीज़ पे है। और अभी उसके पास हिस्ट्री नहीं है, बट इसके पास हिस्ट्री है। यहाँ पर देखिए 38 रुपीज़ के आसपास ये शेयर है, आज नेगेटिव नज़र आ रहा है। 5 डेज़ का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो पॉजिटिव है, 1 मंथ का पॉजिटिव आपको नज़र आ रहा है, 6 मंथ का भी लगभग आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है, बस उसी कंसोलिडेशन फेज पे है, उसी पे चलता नज़र आ रहा है। अगर हम एयरटेल दे जनवरी से बात की जाए तो जनवरी से लगभग 63 रुपीज़ के आसपास ये शेयर हुआ करता था, फरवरी में जैन में गिरा है, ओके, कितना 52 वीक अगर लो भी देख लेते हैं हम इसका, तो 23 रुपये के आसपास आया था, बट इसने रिकवर इतना नहीं किया, 23 रुपये का 38 रुपये के आसपास है। तो शायद आपको अभी जिस हिसाब से यहाँ पर से अगर हम देख लेते हैं कितना गिरा हुआ है, कितने रिटर्न हमें मिल रहे हैं, तो हम अगर बात की जाए यहाँ पर, सॉरी 1 मिनट, एक मिनट मैं आपको यहाँ पर से दिखा देता हूँ कि कितने रिटर्न, कितना ये अभी भी गिरा हुआ है, तो लगभग 40% के आसपास यहाँ पर गिरावट है। तो यहाँ तक तो मेरे को लगता है कि यहाँ तक तो पहुँच जाएगा, बट अगर आप सोच रहे हैं कि 1000 रुपीज़ तक चला जाएगा, तो 1000 रुपीज़ तक नहीं जाने वाला। क्यों नहीं जाने वाला? क्योंकि इनके रिजल्ट्स भी कुछ खास नहीं है। देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ आपको, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में भी आपको नज़र आ जाएगा कि ये शेयर उस लाइक है ही नहीं कि ये आपको जा पाए इस लेवल पर। तो देखिए शेयर का जो चार्ट पैटर्न हमें पता चल जाता है, मतलब 140 150 रुपीज़ से ये नीचे की तरफ हमें जाता हुआ जाता हुआ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें वो बात नहीं है, देखिए, और ये कोई शेयर कंपनी आप 2 4 साल की अभी नहीं आई है, स्टार्टिंग में तो ये कंपनी भी देखिए चली थी, ओके, 1 2 साल में अच्छे खासे रिटर्न, 1 साल में इसने रिटर्न दिए थे, ओके, 103 का शेयर आपको 150 पे होता हुआ नज़र आता, बट उसके बाद कंटिन्यूसली गिरता, और वॉलेटिलिटी भी काफ़ी सारी है मिड कैप जैसे कि शेयर में हमने आपको बताया। बट अडानी ग्रीन के साथ ऐसा नहीं है, अडानी ग्रीन आपको पहली बात तो कम टाइम हुआ है, तो इसलिए हम ज़्यादा इस पर कह नहीं सकते, और वो शेयर बहुत ज़्यादा चल चुका है, 1000 रुपीज़ के आसपास अभी शेयर 30 रुपीज़ का बैठा हुआ है। तो उस शेयर में भी कभी भी गिरावट आ सकती है। और जैसे कि अडानी ग्रुप का एक रहता है, वो प्लेजिंग करते रहते हैं, प्लेजिंग करते रहते हैं, अगर इस तरीके से प्लेजिंग चलती रही और अगर बिजनेस कुछ खास नहीं चला हुआ है, यूँ तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छे खासे मिल चुके हैं, तो शायद वो नीचे ना आए, और नीचे आए तो इस तरीके से नीचे ना आए जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस शेयर उस शेयर में दोनों में बहुत अंतर है। और अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए ये अभी की बैलेंस शीट है, रेवेन्यू का देखा जाए तो रेवेन्यू कितना है इस क्वार्टर का है, देख लीजिए, ओके, ये सितंबर क्वार्टर का है, ये जून का है, और ये लास्ट ईयर का है, तो सितंबर का, तो रेवेन्यू देख लीजिए, टोटल इनकम देख ले, रेवेन्यू तो देखिए कुछ खास है ही नहीं, अदर इनकम ही इसमें ऐड है हर बार, लगभग 18.91 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 27.42, और लास्ट ईयर 16, तो लास्ट ईयर से तो बेटर है, थोड़ा सा बड़ा है, बट अगर इसकी बात की जाए लास्ट क्वार्टर से, तो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से अभी काफ़ी गिरावट यहाँ पर करोड़ में नज़र आ रही है, लगभग 10 करोड़ 9 करोड़ के आसपास यहाँ गिरावट नज़र आ रही है। इनकम की बात की जाए तो देखिए टोटल अदर इनकम्स इसमें ऐड हुई है, अदरवाइज यहाँ पर लास्ट क्वार्टर लास्ट ईयर की बात की जाए 261, क्योंकि 245 करोड़ रुपीज़ की अदर इनकम यहाँ पर ऐड हो गई है। बट फिर भी अगर तीनों बेसिस पर बात की जाए और सीधे बात की जाए नेट लॉस या प्रॉफिट की, तो यहाँ पर देखिए हर बार आपको नेट लॉस ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 77.12 करोड़ रुपीज़ का लॉस था,
फिर यहाँ 42 लास्ट क्वार्टर में था ओके, और इस बार क्वार्टर में लगभग 40 करोड़ रुपीस के आसपास का यहाँ पर लॉस आपको दिखाई दे रहा है। और ईपीएस की बात की जाए तो ईपीएस आपको नेगेटिव में ही दिखाई देगा, 0.72, 0.74 इसमें ईपीएस आपको दिखाई दे रहा है। तो बैलेंस शीट भी कुछ खास नहीं है, लॉस में कंपनी जा रही है। तो आई डोंट थिंक सो कि अडानी का अडानी पावर अडानी ग्रीन की अभी टक्कर ले सकता है। तो उसे उस लेवल पर जाने के लिए अपने आपको पॉजिटिव रिटर्न्स पहली बात देना चाहिए। ओके, कंपनी अगर अपने शेयर को गिरवी करने से छुड़ाएगी पॉजिटिव वे में, अगर इनके रिटर्न्स आएंगे ओके, इनका रिजल्ट अच्छे आएंगे एट दैट टाइम शायद ये जा सके। बट अभी इसका कोई और इसके कॉम्पिटिटर भी बहुत सारे हैं, उसकी कंपनी के कॉम्पिटिटर भी नहीं है ओके। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं। तो बहुत सारी कंपनीज, अडानी पावर, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, अडानी, एनएचपीसी, तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है जो इनकी पीयर कंपैरिजन है, और भी बहुत सारी कंपनी है। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि अडानी पावर अडानी अडानी ग्रीन की टक्कर ले सकता है। तो इसलिए आप इस शेयर से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, क्योंकि प्राइसिंग भी ज़्यादा है, लॉस में कंपनी जा रही है। तो आई डोंट थिंक सो ये शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। और मेरी एक वीडियो और आने वाली है हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, शायद वो आपका नज़रिया चेंज कर दे। तो आइए उसकी तरफ, हम उस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूँ, बट इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।